माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग में जो लोग सेमेस्टर सिक्स में हो, आप लोगों का वाइवा एग्जाम जो है, जो लोग ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हो, क्योंकि ऑनर्स वाले बच्चों का ही प्रोजेक्ट है, तो जिनका भी वाइवा एग्जाम होगा, तो आप लोगों में आज से वाइवा का एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, जो बच्चे आज एग्जाम देकर के आए हैं, उन लोगों से मैंने पूछा, उन लोगों ने बताया कि आपका कोई यूनिक टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछना है। दे विल आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपका मेथोडोलॉजी क्या है, बिब्लियोग्राफी की अच्छे तुम्हारे प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर आपका सुपरवाइजर कौन है। आप मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, जो बच्चा कॉपी पेस्ट किया उसको तो पता ही नहीं कि भाई मैं सुपरवाइजर कौन है। तो एक बार जब भी आप प्रोजेक्ट का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एक बार पूरा प्रोजेक्ट को आप स्टडी कर लेंगे, पूरा प्रोजेक्ट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ठीक है ना, फॉर्मल लुक में आपको जाना है और फॉर्मल आंसर्स भी देने हैं, ठीक है, बात समझे, एंड ट्राई कि आप सारा आंसर्स दे सको, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक ऑन एन एवरेज 75-80 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, दो बार तीन बार प्रोजेक्ट को एक बार रीडिंग मार लीजिए। कोई प्रोजेक्ट का कोई 20 से क्वेश्चन पूछ दिया अचानक से रैंडमली, बस समझ रहे ना, तो उस समय आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इसीलिए कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि ये पूछेगा तो वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके प्रोजेक्ट का अलग अलग टॉपिक है। तो आपको मेथोडोलॉजी, रिसर्च स्टडीज, आपने क्या कौन सा डायग्राम यूज़ किया है, क्या आपका अच्छा क्वेश्चनियर में आपने किस किस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं, अच्छा बिब्लियोग्राफी क्या है, ये सारी चीज़ों को एक बार प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।